वायु परिलक्ष में क्या गया, ज्ञान वायु परिलक्षण, यदि फिर से आप ज्ञान वायु जाती तो सर्वांग में क्या थकावट का अनुभव होना, शरीर की नीचे क्रिया में रुकावट, संताप और वेदना होती। तो दाह संताप वेदना सब कामन लक्षण है। गात्र विक्षेप और संघ ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तात्पर्य है कि अंगों में जो विक्षेप क्रिया होती है अर्थात हाथों को चलना, पैरों को चलना आदि सभी प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं में रुकावट हो जाती है, वो भी अपने को किसी अंगों को चलाने में असमर्थ हो जाता है। कपावृत ध्यान वायु के लक्षण, संपूर्ण शरीर में भारीपन, संपूर्ण अस्थि संधियों में वेदना आदि रूप में गति की रुकावट ये लक्षण होते हैं। कब से आवृत अपान वायु के लक्षण, यदि पित्त से अपान वायु आवृत हो जाएगी तो हल्दी के समान पीले होने का मुख और मल निकलता है। ठीक है, अपान वायु है और कफ है तो उसके हिसाब से लक्षण बना। हल्दी के समान पीले होने का मुंह तो मल निकलता है, गुदा मुंह तेंद्रीय बताप होता है। यदि स्त्री के शरीर पित्त से आवृत अपान वायु होती तो मानसिक स्राव अधिक रूप में होने लगता है तथा व्यवस्थित प्रदर रूप से जीवित हो जाती है। क्या प्रावृत अपान वायु के लक्षण, ऊपर पित्वा है ठीक है, पीले वर्ण का निकलता है, दो तीन दिन ताप होता है, तो लक्षण किसके पित्त के हैं, तो कपावृत लिखा है गलत लिखा है, पर पित्त कर ले नीचे वाला लिखा है। उसके बाद कपावृत अपान वायु का लक्षण, यदि कप से अपान वायु आवृत हो जाती है तो पतला आम कप नीचे भारी मल की प्रवृत्ति होती है, कप जन प्रवे से रोग भी दूरित हो जाता है। द्वंद्वावृत वायु के लक्षण, पित्त तथा कफजन लक्षण होने से देखकर लक्षण उसके धीरे धीरे लक्षण हो जाएंगे। द्वंद्वावृत वायु के लक्षण, हेलो हेलो उसके बाद क्या है, आवृत लोगों का स्वभाव तथा उनकी गुणवत्ता, जिस वायु का जो स्थान बताया गया है उस स्थान में पिता कप के दोष स्थिर हो जाए तो जिस प्रकार के अपने अपने लक्षण को उत्पन्न करते हैं उसी के अनुसार एक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न होने करते हैं। नहीं सुनो, जो मैंने पीडीएफ देखो प्राण और ग्राम के आवरण की जो पीडीएफ मैंने भेजा था सभी के आज से इस शरीर में है ना, शरीर से यदि कफ और पित्त से प्राण वायु का उदान वायु अवृत हो जाती है, कफ और पित्त से प्राण वायु का उदान वायु अवृत हो जाती है तो खास रहे नेत्र के लोगों के लिए चिकित्सक के हाल ही में मिलेगा का उदान वायु अवृत हो जाती है तो साथ रहे नेत्र जिन लोगों के ऐसे चिकित्सक उसे अत्यंत कठिन मानते हैं अर्थात कफ और पित्त से प्राण और उदान का आवृत होना अर्थात कफ पित्त से प्राण और उदान का आवृत होना अत्यंत कष्टकर होता है। कफ पित्त से प्राण और उदान का आवृत होना अत्यंत कष्टकर होता है। एक वस्त्र
समस्या नाम शरीर की चिकित्सक चाहिए और पांच प्रकार की बाहर वायु से मृत्यु से कब से होने वाले आप ठीक है जनता इसके बाद उचित रूप से इन आवाज को समझ कर ग्रह सकता पालक नाम करने वाले द्वारा चिकित्सक अनुगमन करने वाले इस मंडलन के लिए रसायन नाम सर्व तीन सम उपयोग है प्रशस्त 241 श्लोक नंबर रसायन शिला जत तथा निगुण का प्रयोग सभी प्रकार की रसायन औषधियों का शिला जत के साथ निगुण का प्रयोग आवरण पायोग अधिक उत्तम माना जाता है। चिकित्सा है इसके बाद देखो 45 के द्वारा तथा कब से होने वाले इसके बाद जिस प्रकार वायु सूर्य और चंद्रमा की गति का पता लगाना अत्यंत कठिन कार्य है उसी प्रकार शरीर में वायु की गतियों का ज्ञान किया जाता है तथा शरीर वातस्य पित्तस्य तमस्य ठीक है। इसमें लास्ट वाला जो चिकित्सा है आप लोगों की चिकित्सा है इसमें जो दो चार पॉइंट है रासायनिक साइन वाली जो चिकित्सा है एक बार देखिएगा साधे साधे का उपद्रव आप लोग का प्रणाम साधे साधे का उपद्रव चिकित्सा है एक दो दो जो पॉइंट दीजिएगा आप देखिए ठीक है। इसको देख लिया इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक बच्चों खत्म इसके बाद अगर ज्यादा मार्क्स उसमें अगर व्यूअर्स ले रहे होंगे हिंदी चल पढ़ेंगे बस सुन लीजिए जैसे कांटेक्ट शुरू हो जाएगा क्या होगा नहीं जानते हैं क्या दियो नहीं व्यापार जैसे निकल लेंगे और फुट पर से जब होगा तो ठीक है ये होने के चांसेस हैं नेक्स्ट इज द एनल स्टेनोसिस चलिए ठीक है देख लेंगे उसमें खुलना नहीं है वो एनल कैनाल होती है अगर ये नहीं खुलता स्टेनोसिस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन अगर किस चीज़ की अगर एनल कैनाल में म्यूकस लेयर में अगर ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये जो खनाल होती है एनल से होती है ओपन नहीं है पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट इज नैरो अगर जिसकी